क्या हाल है आप लोग। ये मुझे बड़े अच्छे होंगे। अब भाई मैं आज बोला था एकदम कैरियर मैंने की कॉपी बिल्कुल मत बोलो, क्योंकि भाई हमारे इंडिया में दो ही चीज़ होती है ग्रीट करने की, एक तो हार छोड़ना और एक तो क्या हाल बोलना। इसलिए भाई मत बोलो, क्योंकि ना एक टाइम ऐसा आएगा जब मोदी अपनी स्पीच में बोलेगा क्या हाल है, तुम बोलोगे कैरियर मैंने की कॉपी करता है। उसके बाद तो समझ ले क्या होगा, दीप दादू जब मारेंगे समझ में आएगा। अब भाई आज ना कुड़े को रोस्ट नहीं को टोस्ट नहीं कैसा है, हम ना रोस्ट करेंगे डीडी टेक्निकल को ना किसी हीरो आलम को या हीरो हीरोइन को। तो फिर आज खबर उन्हें उस चीज़ के बारे में जिससे देख डॉक्टर्स के पसीने छूट रहे, पसीने जिससे हम एक गिलास भर पसीना छूट रहे। जी हाँ, मैं बात करने वाला कोरोना के वायरस के बारे में। अब भाई तुम्हें तुम्हें पहले बार बचाना चाहता हूँ कि कोरोना वायरस से बचने के लिए एक ही सलूशन है, हर दो घंटे में अपना हाथ धो के रखो। अपने हाथ धोओगे तभी तुमको कुछ मिलने वाला है सेटिस्फैक्शन, वरना कोरोना तुम्हारे हाथ पे चिपक कर तुम तो अपना मुँह स्पेशली लड़कों लड़की जो भी है जो भी वीडियो देख रहे हैं तुम तो मुँह में अपना हाथ रखना छोड़ोगे नहीं, खुजली हाथ तुम करते हो भाई वहाँ कोरोना फैल जाएगा, वहाँ लग जाएगी, जिंदगी चली जाएगी। इतना ही बड़ा छोटा वीडियो नहीं आगे हुए। और भाई तुम इस क्वारंटाइन डे में करोगे, क्योंकि हमारे पीएम नरेंद्र मोदी ने बोला है कि 21 डे तक लॉकडाउन है सारे इंडिया में, जिसमें से बहुत सारे लॉकडाउन नहीं मान रहे। तो अगर तुम लॉकडाउन नहीं मानोगे तो फिर पुलिस के ना पिछवाड़े पे ऐसे डंडे पड़ेंगे ना हम लग जाइए, लाल होके ना ऐसा बंदर जितना लाल कर देंगे। महाराष्ट्र में है मुझे पता नहीं होगा नहीं होगा। अब भाई मैं आगे तुम्हें बोलना चाहता हूँ कि क्वारंटाइन डे में तुम करोगे क्या। पहली बात तो क्वारंटाइन डे में अपने घर साफ कर लो, घर पर इतना कचरा कर लो। कुछ अरे काम वाली भाई तो आने वाली है नहीं, मम्मी पापा तो करेंगे नहीं, मम्मी पापा करेंगे नहीं कितना करेंगे। तो मैं तो बोलता हूँ भाई तुम क्वारंटाइन डे पे वही करके बैठ जाओ, क्योंकि तुम्हारे खुश हो जाएंगे, मम्मी पापा थोड़ा काम भी करो, मम्मी थोड़ी हेल्प कर दो। और भाई अगर तुम 15-16 साल के बच्चे हो तो खाना बनाना सीख लो, मैं तो खाना कड़क कड़क बनाता हूँ। तो कहीं अगर आपको पता है मैं क्वारंटाइन डे में क्या करता हूँ तो इंस्टाग्राम पर फॉलो करो मेरे को, ठीक है। अब आगे बोलना चाहता हूँ गेमर्स के बारे में, मुझे गेमर्स के बारे में कोई कोई भी जरूरत नहीं है, तुम कहीं तो गेम्स खेलते रहोगे। अब मेरा मेन मस्त आता है यूट्यूबर्स पे, यूट्यूबर्स पे तुम्हें बहुत टाइम मिल रहा है इस टाइम पे। थोड़े मेहमान आ गए थे इसलिए हमने थोड़ा सा बीच में रिकॉर्डिंग बंद कर दी थी। अब भाई मैं क्या बोल रहा था, जी हाँ, जो आपको टाइम मिला है उस टाइम में आप खाना बनाना सीख सकते हैं, पहले से हेल्प कर दो। और भाई करना क्या है तुम्हें, कुछ तो कुछ करना तो ही नहीं, ठीक है, समझ सकते हो ना बात। अब भाई ना अब अगर तुम्हारे पैर इतने ही फुदूक रहे हैं तो बैठे रहो घर पे, नेटफ्लिक्स देख लो, अमेजोन प्राइम टीवी देख लो, तो तुम्हारे पास तो वो होगा ही होगा। यूट्यूब तो कोई देखने वाला है नहीं, कौन देखेगा, जो उसके फेवरेट वाले यूट्यूबर्स होंगे। और जो यूट्यूबर्स की बात उनके लिए स्पेशल थी, उनके अगर तुम्हारे पास एक खुद का रूम है और गेमिंग पीसी है तो तुम्हारे लिए मेन पॉइंट है, क्योंकि भाई अगर तुम ये समय वीडियो नहीं बनाया ना भाई आगे टाइम नहीं मिलने वाला। और जो भाई 10th के अंदर वाले तुम ना 8-9th वाले बच्चे उनकी बात बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि भाई मैं 9th में हूँ और मेरे को जितना टाइम मिल रहा है मैं उतनी वीडियो बनाऊंगा, वैसे मैं वीडियोस बनाऊंगा वहीं में आते आते हुए। और जिनका भी बर्थडे यार बर्थडे थोड़ा छोड़ दो, कोरोना की वजह से गिफ्ट नहीं मिलने वाला उनमें से, हाँ ही छोड़ो बात छोड़ो। तो मैं बोलना चाहता हूँ कि गाइस आपको बस घर से बाहर निकलना बिल्कुल नहीं है, मम्मी पापा का काम करना है। और अगर वीडियो बहुत अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल दबाना बिल्कुल मत भूलना भाई। अगर तुम भूल जाओगे कैसे मेरा नया वीडियोज़ का भयंकर वीडियोज़ का आने का पता चलेगा। मैं तब तक अगले वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय।